नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का YouTube चैनल एग्रो दर्पण पर बहुत बहुत स्वागत है। एग्रो दर्पण पर खेतीबाड़ी और पेड़ पौधों से संबंधित वीडियो लगाए जाते हैं, तो इस तरह के एक से बढ़कर एक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर आइए और वीडियो देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं आज गेहूँ की फसल निकाली जा रही है, और गेहूँ की फसल है वो यहाँ पर आप मशीन देख रहे हैं। ये मशीन है कटर थ्रेसर मशीन और साथ में टोकरी मशीन, यानी टोकरी के साथ में कटर थ्रेसर है। इसमें दोनों तरह से यानी आप पीछे से गेहूँ निकाल सकते हैं और इधर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, और इससे आप दूसरे जो फसलें हैं वो भी निकाल सकते हैं। तो ये कटर थ्रेसर मशीन है और इसके साथ में ये टोकरी वाली मशीन भी है, तो दोनों तरह से आप इसमें से कोई सा भी काम में ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं गेहूँ निकाले जा रहे हैं और अंदर यहाँ पर बच्चे कुछ मस्ती करते हुए, तो ट्रॉली में गेहूँ तुरंत ही भरे जा रहे हैं साथ में ही, और गेहूँ के यहाँ पर गटर बांधे हुए हैं और गटरों को यहाँ पर पुश किया जा रहा है। कई बार यहाँ पर देख रहे हैं आप तीन चार आदमी इसको पुश करने में लगे हैं, और इसके अलावा बाकी यहाँ पर पास में ये इसको हम पूड़े कहते हैं जो गटर है, तो इसको गटर को ला करके यहाँ पर ये रख रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर गेहूँ निकाले जा रहे हैं। गेहूँ की फसल है वो काफ़ी अच्छी है, आप देख रहे हैं लंबे लंबे इसके गटर या पूड़े हैं, तो फसल काफ़ी अच्छी होने की उम्मीद है। यहाँ पर हमारे ये नागौर ज़िले का वीडियो देख रहे हैं आप, राजस्थान का नागौर ज़िला, तो इसी तरह से गटर बांधे जाते हैं। वैसे आजकल तरह तरह की मशीनें चली हुई है, तो गेहूँ को खेत में ही सीधा ही काटा जाता है और तुरंत निकाला जाता है बड़ी बड़ी मशीनों से, तो इस तरह से मशीनें काटने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उन मशीनों से थोड़ा सा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊंचे से कटता है ये, तो जो तूड़ी होती है या जिसको हम खाकला कहते हैं वो कम हाथ आता है, यानी वो पीछे रह जाता है, तो इस कारण काफ़ी जो ये चारा है ये बर्बाद होता है। इस कारण चारे के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं अब आपको इधर बता रहा हूँ, जैसे ये यहाँ पर ये है, तो गेहूँ काफ़ी बड़े हुए हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा जैसे गेहूँ निकालते हैं तो आदमियों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सात आठ आदमी काम में लगे हुए हैं गेहूँ निकालने में, और इसको दो जगह इकट्ठा किया हुआ है। एक जगह आप यहाँ देख रहे हैं और एक दूसरी और जगह है वहाँ पर, तो दो जगह खेत में ये 2 एकड़ की फसल है। 2 एकड़ में ये गेहूँ थे जो आप देख रहे हैं, तो गेहूँ की फसल को हमारे यहाँ पर इसी तरह से निकाला जाता है, क्योंकि ज़्यादा हमारे यहाँ पर गेहूँ की खेती होती नहीं है। जैसे ये 2 एकड़, कहीं पर 3 एकड़, कहीं 1 एकड़, इतनी खेती होती है, और 10-20 खेतों में से एक खेत में गेहूँ मिलते हैं। तो बच्चे यहाँ पर ट्रॉली में गेहूँ है वो आगे खिसका रहे हैं, और जैसे कैमरा आता है इनके पास में थोड़ा ये मस्ती करने लग जाते हैं। वैसे इसको बच्चों को थ्रेसर मशीन के पास में जाने नहीं देना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये गेहूँ है जो रिपर मशीन के द्वारा काटे गए, तो ज़्यादा ऊंचे से नहीं काटे हैं, और हमारे यहाँ पर चारे की काफ़ी ज़रूरत होती है, तो इस कारण आप देख रहे हैं यहाँ पर ये तूड़ी या चारा, जिनको कई जगह तूड़ी कहते हैं, तो ये तूड़ी या चारा है वो हम पशुओं को खिलाने के लिए काम में लेंगे। तो यहाँ पर ये तूड़ी है वो काफ़ी दो जगह है, तो 5 एकड़ में काफ़ी तूड़ी हो जाएगी, पशुओं के लिए साल भर खिलाने के लिए काम में आ सकती है। और वैसे इसके अलावा हम जब बाजरा बीजते हैं तो उसकी कुतर भी हो जाती है, तो उस तरह से साल भर पशुओं के लिए हो जाता है, और वैसे हम हरा चारा भी कर लेते हैं। तो गेहूँ यहाँ पर इसी तरह से निकाल जाते हैं हमारे यहाँ पर, और गेहूँ है वो जैसे पंजाब में और हरियाणा में, वहाँ पर पंजाब में तो जैसे बड़ी बड़ी मशीनों से आजकल काटे जाते हैं विकसित राज्य होने के कारण, तो यहाँ पर गेहूँ की खेती वैसे कम ही की जाती है, तो बड़ी मशीनें लाने में खर्चा भी ज़्यादा लगता है, इस कारण बड़ी मशीनें काम में कम ली जाती है। तो इसी तरह से आजकल कई लोग गटर बनाते हैं, कई खुले ही गेहूँ के ये रख देते हैं, ढेर कर देते हैं, और फिर इसी तरह से इन्हीं मशीनों के द्वारा निकालते हैं। तो जो आप देख रहे हैं इसमें, तो जैसे ये कटर मशीन है, कटर थ्रेसर है, और साथ में इसमें ये टोकरी भी लगी हुई है, तो दूसरी फसलें निकाल सकते हैं। लेकिन जिसमें कटर केवल होती है उसको हड़प्पा भी बोलते हैं यहाँ पर, हड़प्पा मशीन, तो हड़प्पा मशीन के द्वारा यहाँ पर ये गेहूँ निकाले जा रहे हैं, तो जिसमें ये टोकरी नहीं होती है उसको हड़प्पा कहते हैं। ये जेड डिलेक्स मशीन है, काफ़ी अच्छी मशीन है, इसके द्वारा गेहूँ निकाले जा रहे हैं।
कई बार बीच में जैसे ये जो निकालने वाले वीडियो की तरफ देख रहे हैं तो इस कारण इनके जैसे ये जो पूरे दे रहे हैं या जो गटर दे रहे हैं कई बार फंस जाते हैं यहाँ पर, तो फंसने के कारण इनको काफ़ी ज़ोर से धक्का लगाना पड़ रहा है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप राजस्थानी आदमी सापा पहने हुए हैं और यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इसी तरह से हमारे यहाँ पर सापे बांध करके और पहले काम करते थे। यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर फंस रहा है जैसे ये, तो ये भी